सभी लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं आप लोग के लिए स्केच बुक की एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे स्केचेस बनाए हैं। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी 2020 में बनाई थी स्केच बुक टूर की, और बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया, बट स्केचिंग करना मैंने नहीं छोड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने वर्क किए हैं मैं आप लोग के सामने शो करूँ। और अभी तो आप मेरे सामने कुछ स्केच बुक देख रहे होंगे मेरी, जिसमें A4 साइज़ की हैं, कुछ स्क्वायर शेप की है स्केच बुक, एंड एक A4 साइज़ की और स्केच बुक है जो कि मोस्टली मैं मेट्रो में जाके स्केचिंग करता हूँ, या जो भी आउटडोर करता हूँ वहाँ पे मैं स्केचिंग करता हूँ। जो भी लाइफ फिगर्स होते हैं मैं चाहता हूँ कि जो एक डेली लाइफ है उसको एक पेपर में उतारूँ। तो ये एक मेरा इंटरेस्ट है और प्रोफेशनल पार्ट भी है, मतलब स्केचिंग मैं करता ही हूँ। जो लोग मेरे को जानते हैं बहुत पहले से उनको मालूम ही होगा, और जो लोग न्यू हैं मैं चाहता हूँ कि अपनी स्केचिंग उनके सामने शो करूँ। सिर्फ मैं आपको स्केचिंग ही नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ स्केचिंग कैसे करते हैं, क्या टेक्निक होती है, उनके बारे में मैं चाहता हूं कि आपको एक्सप्लेन करूं जितना एक स्केच के थ्रू आप लोग को कर सकता हूं। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग न्यू हैं ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं आगे भी आप लोग को ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और मेरा इंस्टाग्राम पे एक चैनल भी है, मेरा पेज भी है, सैंकी आर्ट करके, SHNKYART, ये मेरे एक पेज का नाम है। तो वहाँ पे जो मैं डेली वर्क करता हूँ मैं अपडेट करता रहता हूँ। यूट्यूब पे भी डालता हूँ वीडियोस, कुछ शॉर्ट्स डालता हूँ, कुछ अलग अलग शॉर्ट वीडियोस हैं, कुछ बड़ी वीडियोस हैं, वो तो आपको मिलती रहेंगी। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं स्केचिंग, मैं अपनी दिखाता हूँ आपको। अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक स्केच बुक ये ली है, आपको दिख रही होगी ऑक्सफोर्ड की स्केच बुक, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको मैं हटा देता हूँ साइड में। जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जैसे भी आपको स्केचेस लगे हो मेरे प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट होगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा जैसा भी आपको लगता है। तो सबसे पहला स्केच ये मैंने एक मॉडर्न आर्ट गैलरी दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, तो वहाँ पे एक स्कल्पचर रखा हुआ था, तो वो मैंने बनाया था 14 अप्रैल को। यहाँ मैं जब भी स्केचिंग करता हूँ तो एक डेट लिख लेता हूँ साइड में, NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो काफ़ी अच्छा स्कल्पचर था, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने हैचिंग यूज़ करी हुई है और काफ़ी अच्छी डेप्थ है, और लाइट उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा धूप थी जिसकी वजह से लाइट इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। मैटर ये नहीं करता कि आप ह्यूमन फिगर की स्केचिंग करो, डिपेंड करता है आप कुछ भी, जो भी लाइव, जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखता है या फिगर दिखता है या जो भी चीज़, ट्रीज एंड ऑल सारी चीज़ें, आप सब कुछ स्केच कर सकते हो, बस आपके अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए उस चीज़ को स्केच करने के लिए। और ये भी एक स्कल्पचर था जिसको मैंने लाइव, ये सारे मेरे काम लाइव वर्क है, अगर आप देख रहे हो मैंने लाइव बैठ के सामने वर्क किया हुआ है, तो जो लाइव काम करने का मज़ा है वो इंडोर में नहीं है। तो सबसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, जब अगर आपको एक्चुअल में एक आर्टिस्ट बनना है तो आप लाइव काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भी एक स्कल्पचर था जिसको NGMA में, तो वहाँ मैंने स्केच किया था। और मेरा एक ये इलस्ट्रेशन वर्क है जो कि अभी बहुत सारे बच्चों को एक अभी एंट्रेंस तैयारी करनी है या जो कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, तो वो लोग चाहो जिसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक टी स्टॉल का सीन है जिसमें कुछ पीछे लोग खड़े हुए हैं, इसमें आप ये देख सकते हो कि मैंने डेप्थ कैसे क्रिएट करी हुई है। मेन फोकस जो चाय वाला उसमें रखा हुआ है, पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं, बाकी बैकग्राउंड में कुछ आउट ऑफ फोकस में फिगर्स हैं आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से। मेन ये नहीं होता पूरी चीज़ कंप्लीट करना, एक इनकम्प्लीट काम में भी कंप्लीट वाला फील दिखना चाहिए, तो वो टाइम के साथ आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि शेडिंग कैसे करते हैं, हैचिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ टाइम टेकिंग होती हैं। टाइम जितना दोगे टाइम से चीज़ें आपको आती रहेंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो उस चीज़ में, आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी मैं एक पुराने के लिए गया हुआ था, ये भी मैंने लाइव काम किया है, पिछला काम लाइव नहीं था, वो एक रेफरेंस भी मैंने यूज़ किया हुआ था, ये लाइव किया है मैंने काम। ये एक पुराने किले का सीन है, कुछ छोटा सा स्मॉल सा मैंने एक पार्ट ले रखा हुआ है, बट फिर भी एक आप अच्छी डेप्थ फील कर सकते हो, एक अच्छी लाइट फील कर सकते हो। तो कोशिश करो कि लाइव काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं, और अभी तो मेरी ये न्यू स्केच बुक है तो उसमें बहुत ही कम वर्क है, बट फिर भी मैंने स्टार्टिंग इसी से करी है। और ये भी एक फूल वाले का एक सीन है, मतलब कि फूल मार्केट है, वहाँ पे फूल वाले जो बैठे हुए हैं जो फूल बेचते हैं, तो उसका सीन है। देखो मेरा हमेशा एक पहले मैं चीज़ों को कंप्लीट करने की सोचता था, लेकिन जैसे थोड़ा सा उस चीज़ में थोड़ा प्रोफेशनल हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक इनकम्प्लीट काम में भी कंप्लीट वाला फील दूँ। तो आप इस काम से वो पार्ट देख सकते हो, इसमें मैंने हैचिंग, सिंगल हैचिंग यूज़ करी हुई है, बट कम स्ट्रोक्स में एक अच्छा वाला फील। तो टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा उस चीज़ में। मैं बस पहले अपना थोड़ा पूरा फोकस स्केचिंग करने में करो, स्केचिंग में कैसे प्रोपोर्शन का ध्यान रखो, एक क्या पर्सपेक्टिव होता है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए उस चीज़, उसको थोड़ा पहले सीखिए अच्छे से। और डेप्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइंस का सही यूज़, लाइन चलाते कैसे हो, ये भी बहुत ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
पहले अच्छा करना, एक बात का पार्ट है, पहले उस चीज़ को अच्छे से प्रोपोर्शनेट फिगर को ड्रॉ करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो पहले आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो उम्मीद करता हूँ इतना ही आपको पार्ट अच्छा लग रहा होगा। जैसा भी लगा, जो भी आपको स्केच लगता है, तो प्लीज़ कमेंट में जाके बताइए कि आपको स्केचेस कौन से अच्छे लगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी भी एक जानना चाहता हूँ कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, तो मैं उसके हिसाब से भी काम करूँगा। तो अभी ये स्केच बुक में इतने ही थे, अभी मैंने न्यू ली है स्केच बुक जिसमें कम है स्केचेस, तो और बाकी मैं दूसरी स्केच बुक आपको दिखाता हूँ। ये एक मेरे पास ब्रूस्ट्रो की स्केच बुक है, इसमें मैंने कुछ काम किए हुए हैं। ये भी ऑलमोस्ट मैं मोस्टली हैचिंग यूज़ करता हूँ। ये एक ह्यूमन फिगर है, एक नारियल वाला, जो कि नारियल काटते हुए। बाकी ऐसे ट्रीज़ को मैंने बस आउटलाइनिंग करके दिखा दिया, मेन फोकस ह्यूमन फिगर है। इसमें आप देख सकते हो एक बर्तन पे डिज़ाइनिंग करते हुए एक ह्यूमन फिगर है, और टाइम लगता है ऑलमोस्ट जो मेरे फिगर्स होते हैं, मतलब कि 45 मिनट्स, 1 आवर समथिंग, इतने टाइम के ही होते हैं। मतलब एक 1 आवर के अंदर मुझे फिगर कंप्लीट करना होता है, और डिपेंड डिटेलिंग मेरे मूड पे डिपेंड करती है, जितना मैं चाहता हूँ उसके हिसाब डिटेलिंग करता हूँ। वो आपने देख ही लिया होगा मेरे काम में, किसी में डिटेल्स ज़्यादा है किसी में कम है, वो आपको देखने समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। ये कुछ फेस स्टडी कर रहा था, कुछ डिफरेंट टाइप की फेसेस, इसके लिए मैंने रेफरेंस यूज़ किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ मेमोरी से भी करता हूँ, कुछ रेफरेंस भी यूज़ करता हूँ, कुछ लाइव भी काम करता हूँ। तो आपको हर चीज़ करनी चाहिए, कब कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे काम आ जाए कुछ नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, उसका काफ़ी आगे के आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये फेसेस हैं, ये जलेबी वाले का सीन है, एक इसमें एक मूवमेंट दिख रहा है, एक फोर्स दिख रहा है कि हाँ वो काम कर रहा है, ठीक है। तो पीछे की चीज़ों को थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस में क्रिएट कर दिया, वैसे एक मटका मैंने दिखा दिया है, बट फिर भी वो एक अट्रैक्ट कर रहा है ना पूरा एक पार्ट, ऐसे लग रहा है कंप्लीट फॉर्म दिख रही है पूरे पेपर पे। ये भी आप देख सकते हो, टोकरी के ऊपर फ्रूट रखे हुए हैं, एक ह्यूमन फिगर डार्क उसमें है, इससे एक फील आ रहा है कि हाँ उसका जो स्किन शेड थोड़ा डार्क होगा ऐसा फील है, उसका थोड़ा लाइट होगा, तो दोनों में कंपेयर कर सकते हो। बट धूप की जो लाइट जो दिख रही है वो दोनों में दिख रही है, इसमें थोड़ा एक शेडो आ रही है, इसमें भी आ रही है, बट मेन फोकस में वो आ रहा है, तो एक डेप्थ आ रही है दो फिगर में भी। ये भी चाय वाले एक सीन है, बट इसमें देखो डिटेलिंग बहुत कम है, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। कम लाइन जितना आप स्केच कर देते हो उतनी अच्छी बात होती है, प्रैक्टिस करते रहो। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप एक होता ना मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कितनी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, कितना भी टाइम लिया है, फल भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं कि बस कंप्लीट करना चाहते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। लाइफ एक लर्निंग है, अगर उस चीज़ को आपने अपने अंदर संभाल लिया ना, तो आप लाइफ टाइम सीखते रहोगे और अपने आप को एक मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते हुए देखोगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस बहुत चाहिए, अगर आज मैं कितना भी अच्छा करूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता हूँ, और हर काम को एज ए प्रैक्टिस वे में देखता हूँ कि ये सब एक प्रैक्टिस है, तभी अच्छा उस चीज़ की उसकी उस खूबसूरती को फील कर पाता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो एक बस का एक छोटा सा पार्ट है, एक कॉर्नर वाला एरिया है जिसमें टिकट चेकर है, वो टिकट और बाकी ह्यूमन फिगर है। इससे देख के ही इसकी खूबसूरती का फील आ जाता है कि लाइन लाइन में कितना एक अच्छा काम किया गया है। मैं अपने काम की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग लग रहा है सर ये तो अपने आप की तारीफ कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उस खूबसूरती को फील कर सको, ठीक है। आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आए कि आप इसको स्केच कैसे करना है, और वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं सिर्फ स्केच नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको स्केचिंग के एक रास्ते पे कैसे जाएं उसका भी एक आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, और जैसा भी लगा हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये मैं क्राफ्ट म्यूज़ियम गया हुआ था, वहाँ पर मैंने एक ट्री की वीडियो बनाई थी, और डिटेलिंग मैंने फिगर बनाए थे, डिटेल में ट्री आप देख सकते हो। ये पेन से किए गए काम है, और एक फिगर बैठा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ वहाँ पे जो एक लाइव पार्ट है उसको मैं एक क्रिएट करूँ, उसको कनेक्ट करूँ अपने से भी और एक पेपर से भी कनेक्ट करूँ, जिससे कि उसकी एक सुंदरता का मैं फील कर पाऊँ। तो इस चीज़ को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कितना टाइम टेकिंग भी हो सकता है, और धूप में बैठ के काम किया है आप समझ सकते हो गर्मी में, ठीक है। बट गर्मी फील नहीं आती, जब आप काम करना अच्छा लगता है ना, तो ये क्या जाड़ा गर्मी बरसात कुछ नहीं होता है, बस अपने अंदर एक मोटिवेशन लाओ काम करने की, तो ये सब चीज़ें कुछ आपके रास्ते में रुकावटें नहीं आएंगी। तो इसमें ये भी नई स्केच बुक, इसमें इतना काम है, और मैं भी आपको और दिखाता हूँ। ये मेरी पुरानी स्केच बुक है, इसमें करता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ वर्क, जैसे कि अभी ये
मैं अपने घर कानपुर से आ रहा था, वहाँ मैंने स्केच किया, तो रेलवे स्टेशन का सीन है, तो आप देख सकते हो। जो भी लगता है, जो बस जो भी स्केच बुक मेरे बैग में होती है, बस पेंसिल निकालो, काम स्टार्ट। ये एक डोसे वाले का सीन है, इसमें भी देखो लाइनिंग मैंने किस तरीके से यूज़ करी हुई है। पीछे की फिगर थोड़ा डेप्थ कम दी है, मतलब बहुत ही लाइट शेड में, आगे थोड़ा डार्क उसमें मैंने की, जैसे फोकस रखा हुआ है इसमें। ये एक पोर्ट्रेट है हैचिंग में ही, इसमें एक लाइट का फील आप देख सकते हो। कुछ भी बनाओ, जो आपको लगता है आप सब चीज़ बना के देख सकते हो। ये भी एक इसका मैंने एक वीडियो भी था डाला हुआ है यूट्यूब पे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, स्केच कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हो। बहुत ही कम लाइंस में एक अच्छा फील, जितनी कम लाइन में आप स्केच करो उतना अच्छा रहेगा। ये भी एक मैंने स्केच किया है। आप मोस्टली स्केच मेरे हैचिंग में देखोगे सारे स्केचेस, क्योंकि हैचिंग में करना अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं कि हमेशा हैचिंग में करता हूँ, पहले मैं थोड़ा स्ट्रेट करता था पूरा, मतलब कि हैचिंग यूज़ नहीं करता था, लेकिन जैसे थोड़ा सा एक प्रोफेशनल पार्ट मैंने ऐड किया, हैचिंग को अपनाया और उसमें और अच्छा करना चाहता हूँ। ये एक लोधी गार्डन का सीन है, वहाँ पर मैंने स्केच किया था। ये 22 फरवरी का सीन है, ठंडियों में, बट कुछ भी, कुछ मॉन्यूमेंट्स हो गए, ह्यूमन फिगर हो गया, ऑब्जेक्ट स्टडी, जो भी आपको लगता है वो कर सकते हो। एक ये स्केच है, फटाफट मतलब स्पीड में, ये नहीं देखता हूँ क्या बन रहा है, बस सब हर आपका एक एक स्ट्रोक बहुत कीमती होता है। आपका एक स्ट्रोक में ही एक खूबसूरती दिख जाती है कि वो चीज़ कैसे निकल के आ रही है। वो आपके कॉन्फिडेंस से, आपके परफेक्शन से आता है, और आपके टाइम एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ बहुत मैटर करती हैं। ये एक मेरे घर से व्यू लिया गया है, मैं घर पे बैठा छत पे, मुझे लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, डेप्थ आ रही, तो मैंने उस चीज़ को पेपर पे निकाला। ये भी मैं अपने घर से एक ट्रेन में जा रहा था, मैंने वहाँ पे लाइव स्केच किया। एक अंकल जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ये आप देख सकते हो। मेरा घर मैं शुक्लागंज टू लखनऊ, मॉर्निंग 8:45 का सीन है, तो ठंडियों में भी मेरे लिए ऐसा मैटर नहीं करता, ठंडी गर्मी, बस काम करना मेरे लिए मैटर करता है, क्या माहौल है ये सब ने। ये एक मैंने डेमो दिया हुआ है यूट्यूब पे ही, आप चाहो तो मेरा डेमो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। एक का ये एक ह्यूमन फिगर है, जो मन आता है मैं सब ड्रॉ करता हूँ। इसमें एक फोर्स दे सकते हो, लाइंस का स्ट्रोक्स, इसमें एक इस फिगर में एक आपको फोर्स दिख रहा होगा कि इसको मैंने कितनी स्पीड से बनाया, कितना डिटेलिंग भी है कुछ नहीं है, बट फिर भी आपको अच्छा लग रहा होगा। कुछ लैंडस्केप ट्राई करता हूँ, तो हर चीज़ ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिगर, हर चीज़ जो अच्छी लगती है, जैसा जब जैसा टाइम मिले उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। ये भी देखो, देख सकते हो आप स्मॉल सा एक लैंडस्केप, ये भी लाइव काम किया गया है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं इनको मैं मतलब ले आता हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरी ऑनलाइन भी होती हैं क्लासेस, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, जो लोग न्यू हैं, मेरी ऑनलाइन बैचेस होते हैं अगर वाटर कलर के एंड स्केचिंग के। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में, तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हो, 9559480989, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सो अगर आप लोग को ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हो मेरे स्केचिंग वाटर कलर के, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं मेरे से, इंक्वायरी ले सकते हैं। ये एक मेट्रो का स्केच है, इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब के लिए, आपको ये इसकी एक वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब के लिए, आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे। और अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपके नोन में कोई आपका कोई फ्रेंड है जो आर्ट में इंटरेस्टेड रखता है, तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आगे चल के, क्योंकि मेरी लाइव भी होती है यूट्यूब पे क्लासेस, जिससे कि आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आपको मालूम चल सके कि हाँ आज मेरी क्लास होने वाली है। वो क्लास फ्री होती है वो बहुत, बट वो टाइम डिपेंड करता है, टाइम जितना मिलता है उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो एक स्केच ये है, ये मेरे दादी जी का स्केच है, ये मैंने क्लास में बैठ के स्केच किया था, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मन करता है, जैसा टाइम उसके हिसाब से वर्क, तो ये नहीं कि आपको एक 1 आवर चाहिए, आप 5 मिनट्स भी है तो 5 मिनट्स में आप क्या क्रिएट कर सकते हो, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। डिटेलिंग आपको दिख रही होगी इस फिगर में, इसको मैंने रेफरेंस यूज़ किया था तब बनाया है। ये भी एक लाइव स्केच है, क्राफ्ट म्यूजियम मैंने ड्रॉ किया था, मेरा फ्रेंड है उसका मैंने स्केच किया है। ये भी स्टेशन का है, आपको दिख रहा कानपुर सेंट्रल, रात को 11:30 का है, 11:20 का, क्या दिन क्या रात कुछ मैटर नहीं करता। ये भी एक मैंने एक स्टेशन में एक इंसान लेटा हुआ था उसका बनाया, जैसे कुछ इनकम्प्लीट ऐसे ही छोड़ दिए। ये भी स्केच है स्टेशन का, आप देख सकते हो। ये भी काफ़ी डिटेलिंग फिगर है, आपको दिख रहा होगा दो लोग खड़े हुए हैं एक साइड देख रहे हैं, तो वो एक लाइव फील आ रहा होगा देख करके। ये भी ट्रेन का ही है,
तो आप देख सकते हो कितने टाइप से मैंने काम किया हो, आपको कोई सब में सिमिलरिटी नहीं दिख रही होगी, आपको हर काम अलग अलग दिख रहा होगा, तो आपका इंटरेस्ट भी आ रहा होगा देखने में। ये एक लैंडस्केप है बट इसमें रिफ्लेक्शन फील आ रहा होगा, पानी एंड कुछ हाउसेस, ट्री हाउस इस तरीके से कुछ, ये भी आप देख सकते हो। जो मन करता है जैसा मूड उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। ये एक रिक्शे वाले का डिटेलिंग है, टाइम लगा इसमें, ऐसे नहीं टाइम नहीं लगा, टाइम लगता है देखो। ये भी एक स्केच है। तो जो मन करे आप पिंट्रेस्ट से रेफरेंस ले सकते हो अगर आपको लगता है। ये पेन से के, ये ब्रश पेन से काम किया गया है पोर्ट्रेट में, स्केच में आप फील देख सकते हो, डिटेल टाइम से आई जाती हैं। इसमें वो कम लाइंस यूज किए फिर भी अच्छी डेप्थ आ रही है। ये कुछ लाइव स्टिल लाइफ मैंने सामने ऑब्जेक्ट रख के ऑब्जेक्ट स्टडी करी थी, तो जो मन करता है वो मैं करता हूँ सारी चीज़ें। ये भी मैंने सामने लाइव काम किया हुआ है, ये इसका मैंने अपने इंस्टा पेज पे भी डाला था, तो आप जाके देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, ये भी एक स्केच है जो मुझे लगता है कि अच्छा है आपको दिखाना चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये एक गोलगप्पे वाले का, गोलगप्पे जो सॉरी भेलपूड़ी वाले का मैंने बनाया है, उसकी आप देख रहा होगा। ये भी कुछ टॉम्बो ब्रश पेन से मैंने स्केचेस बनाए हैं, वही है जो अच्छा लगता है हर चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ उस चीज़ को आपको भी शो करूँ। सिंगल सिंगल स्केच तो मैं शो करता हूँ लेकिन कभी मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कि मैंने कैसे किया क्या। आज मैं उस चीज़ को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ आप लोग इसको शेयर जरूर करिएगा, आप जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं आपके जो आर्ट में इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ उनको सिर्फ, ठीक है। ये भी ब्रश पेन से स्केच किया है मैंने, बस जो मन करता है स्केच करता हूँ। ये आप ह्यूमन फिगर देख सकते हैं, कुछ में टाइम ज़्यादा लगा कुछ में टाइम कम लगा है, तो ये चीज़ है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक स्केच डन है, बहुत सारे और भी स्केच किए हैं बट मुझे जो लगा आपको दिखाना चाहिए तो मैंने आपको वो दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसा भी लगा हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच सभी को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगली वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, या कुछ लाइव काम करते हुए आपको शो करूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।